I've fallen in love with I Love. I love. Él vole, wow. मुझे केवल इतना बताओ कि तुम चाहते क्या हो। चाहता तो मैं बहुत कुछ हूं वासुदेव, परंतु सब कुछ एक साथ नहीं बता सकता। सबसे पहले मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि तुमने मेरे भ्राता श्री शाल्व का वध किया था, जो मैं आज तक नहीं भूला हूं और ना ही कभी भूलूंगा। मुझे याद है, और तुम्हें भी याद होगा कि शाल्व का वध मैंने क्यों किया था। दुष्चरित्र पापी और कुकर्मियों का वध करना तो मेरा धर्म है अनुशाल। देखो देखो भांजे, देखो, आत्मसमर्पण करने आया है और अकड़ ऐसे रहा है जैसे हमसे करांटने आया हो। व्यर्थ की बातों में समय मत नष्ट करो अनुशाल। ये मत भूलो कि तुमने एक देवी समान स्त्री का अपहरण किया है, और वो भी छल और कपट द्वारा। मैंने तो केवल एक बार छल किया है, एक बार। अरे तुम्हारा तो सारा जीवन छल और कपट की कहानी है। तुम्हारे छल और कपट की गिनती की जाए तो कहीं युग बीत जाएंगे वासुदेव। कुरुक्षेत्र की रणभूमि का चप्पा चप्पा तुम्हारे छल और कपट का साक्षी है। द्रोणाचार्य वध के लिए अश्वत्थामा गज का प्रयोग, भीष्म वध के लिए शिखंडी का उपयोग। अरे कपटी तो तू है, तू, तुम्हारे कपट की तो कोई सीमा नहीं है। अनुशाल, तुमने दुर्योधन की जंगा की ओर संकेत करके क्या छल नहीं किया था? वासुदेव, तुमने अर्जुन को निहत्थे कर्ण पर बाण चलाने के लिए उकसाकर क्या छल नहीं किया था? अरे तू तो पुराना पापी है वासुदेव, बड़ा घमंड है ना तुझे अपने चमत्कारों पर, अपनी लीला पर। अब दिखाना अपना चमत्कार, दिखा। अरे तू क्या दिखाएगा चमत्कार? चमत्कार तो हमने दिखाया है इसे, ये बताकर कि ये तो एक साधारण ग्वाला है। आपने सत्य कहा मामा श्री, ये तो गोकुल में गाय चराने वाला माखन चोर है, चोर। सारे संसार के लिए तू जो भी है, किंतु मेरे लिए तू केवल एक विवश बंदी है, जिसके प्राण मेरे हाथों में हैं। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता वासुदेव, कुछ नहीं, और ना ही तेरे किसी चमत्कार का प्रभाव मुझ पर पड़ेगा। मांग मांग मुझसे दया की भीख, कदाचित तेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर मुझे तुझ पर दया आ जाए और मैं तुझे क्षमा कर दूं। ए वासुदेव, अपने क्रोध से मुझे भयभीत करने का प्रयत्न मत कर, मैं तुझसे नहीं डरता। बड़ी धूम थी ना तेरी चपलता की धरी रहेगी तेरी चपलता। अब दिखा तेरी चपलता, दिखा। धूर्त, तूने मुझे विवश कर दिया है कि मैं तुझे इतना भयानक दंड दूं कि संसार कांप उठे। आज मैं धन्य हो गया भगवान, धन्य हो गया। आपका यही रूप देखने के लिए मैंने ये सॉन्ग रचा था। आज मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। हे मुरली मनोहर, हे श्याम, हे घनश्याम, मैं धन्य हुआ। दुष्ट पद्मावती अपहरण के दंड से बचने के लिए सॉन्ग रच रहा है। मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। कर दीजिए मेरा सर धड़ से अलग। चलाइए अपना यह अद्भुत सुदर्शन चक्र। केशव, मेरे जीवन की अंतिम अभिलाषा तो पूर्ण हुई, अब इस जीवन की आवश्यकता ही क्या है? केशव,
नेत्रों की प्यास बुझ गई, मन का क्लेश मिट गया। ये सत्य है कि मैंने पद्मावती अपहरण का पाप किया है, जिसका दंड मुझे अवश्य मिलना चाहिए। मुझे दंड दीजिए केशव, मुझे दंड दीजिए। रुक जाइए केशव, कहीं अनर्थ ना हो जाए। ये सत्य है केशव कि इसने मेरा अपहरण किया, किंतु मुझे इसने इस प्रकार रखा जैसे कोई अपनी बहन को रखता है। पूरा मान सम्मान दिया मुझे, इसे क्षमा कर दो केशव। ये सत्य है कि ये तुम्हारे विराट रूप के दर्शन करना चाहता है। तथ्य तो ये है केशव कि इसने तो हम पर उपकार किया, यदि ये मेरा अपहरण ना करता तो हमें तुम्हारे इस विराट रूप के दर्शन कैसे मिलते। मूर्ख, यदि तुझे मेरे दर्शन की चाह थी तो मुझसे कहा होता, ये सब करने की क्या आवश्यकता थी। मैं जानता हूं केशव, यदि मैं आपकी वंदना करता तो आप प्रसन्न होकर मुझे अवश्य दर्शन देते, परंतु केशव मैं आपसे जीतता कैसे। अर्थात आज मैं सारे संसार से कह सकता हूं कि मैंने अनुशाल ने श्री कृष्ण को विवश कर दिया अपना विराट रूप दिखाने के लिए। केशव मैं जीत गया और आप हार गए। भक्तों की प्रसन्नता के लिए तो मुझे अपनी हार भी स्वीकार्य है। दूत, तो तूने सारा आडंबर इसलिए रचा कि तू कृष्ण के दर्शन करना चाहता था। हाँ मामा श्री, यही तो मेरे जीवन की अंतिम अभिलाषा थी, जिसे पूर्ण करने के लिए आपने मेरी सहायता की है, जिसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा, सदैव आपका आभारी रहूंगा। धिक्कार है तुझे, धिक्कार। तूने मुझसे छल किया, मेरे सारे परिश्रम पे पानी फेर दिया, पर तू इतना जान ले, तू अपने भाई के हत्यारे को क्षमा कर सकता है, पर मैं अपने भांजे के इस कपटी हत्यारे को कभी क्षमा नहीं कर सकता, कभी क्षमा नहीं कर सकता। यदि किसी ने अपने स्थान से हिलने का प्रयत्न किया तो मैं इस नारी का वध कर दूंगा। मामा श्री, मैं कहता हूं छोड़ दो इस देवी को, छोड़ दो इस देवी को। अपने वासुदेव से कहो कि स्वयं को मेरे हवाले कर दे, यदि ऐसा नहीं हुआ तो दुष्ट मैं तुझे भी जान से मार दूंगा। कैसा मामा है तू? अरे मामा का तो समाज में बहुत उच्च स्थान होता है, मामा से दो बार मां जुड़ा होता है, वो तो माता का भाई होता है, कभी लेता नहीं सदैव देता है। किंतु ये कैसी विडंबना है कि वही मामा कभी कंस बन जाता है, कभी शकुनी, तो कभी तेरा रूप धारण कर लेता है। मैं तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला, तू स्वयं को मेरे हवाले कर वरना मैं इस नारी का वध कर दूंगा। मूर्ख, जिस प्रकार रात्रि के भाग्य में सूर्य नहीं होता, मरुस्थल के भाग्य में वर्षा नहीं होती, उसी प्रकार तेरे भाग्य में सद्बुद्धि नहीं, तुझे दंड देना ही होगा। दया भक्त पर हरी करी
दुष्टों को दंड, भक्ति सदा रक्षित रहे, टूटे सदा घमंड, टूटे सदा घमंड।